नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अंकित कुमार और आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स की। एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स में आज हम बात करेंगे अप्रैल मंथ के अंदर आए हुए एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स जो कि इम्पोर्टेंस रखते हैं आपके कमिंग एग्जाम्स के लिए। सबसे पहले बात करेंगे हम रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फिलिपाइन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट डीए फिलिपिन राइस हैज फॉर्मली इनिशिएटेड एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है ड्रोन्स फॉर राइस प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये किसके कोलैबोरेशन के साथ हुआ है? तो पहला जो ऑप्शन है वह है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसके बाद है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। सो इट इज़ इन कोलैबोरेशन विद द इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो सबसे पहले कुछ रिलेटेड पॉइंट्स जो मैं इसके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, इसका आंसर तो आपको याद कर क्या रखना है, सिर्फ ये करना है कि ड्रोन फॉर राइस प्रोजेक्ट जो कि एक कोलोब्रेशन है बिटवीन द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फिलिपाइन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि डीए फिलिपाइन राइस है, और दूसरा इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि कापरे मनीला के अंदर, फिलीपींस के अंदर ही है ये। दूसरा, इसका जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो 1960। ठीक है, दूसरा बात करेंगे वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो कि इसका हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर। अपनी बात करें इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो कि 1875 के अंदर जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था एंड करंटली इस हेडक्वार्टर इज इन द न्यू दिल्ली। तो ये कुछ रिलेटेड बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है जो कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से FAO जो कि इसका हेडक्वार्टर से आता है जो है रोम इटली के अंदर है। सिंपल सी इतनी सी बात उनको पता होनी चाहिए। सबसे पहले कि ड्रोन फॉर राइस प्रोजेक्ट किसका कोलोबरेशन है, जो फिलीपींस का डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है विद दैट ऑफ द इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये प्रोजेक्ट का नाम क्या है, ड्रोन फॉर राइस प्रोजेक्ट। हो क्या रहा है कि जैसे ड्रोन फॉर राइस प्रोजेक्ट बेसिकली है क्या, ये जो राइस के जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करने के लिए मेनली आप समझ सकते हैं प्रिसीजन एग्रीकल्चर से, क्योंकि टेक्नोलॉजी का यहाँ पर यूज हुआ है। यहाँ पर किस चीज़ के लिए यूज किया जा रहा है, ड्रोन्स का, जैसे ड्रोन्स के हेल्प से एप्लीकेशन किया जाए बाई मीन्स ऑफ उनका सीड फर्टिलाइजर इरीगेशन, या आप क्रॉप का मॉनिटर कर सकते हैं, वीड्स को मैप कर सकते हैं और न्यूट्रिएंट के लेवल को पता कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार से लाइक इरिगेशन की प्लानिंग कर सकते हैं, ये सब ड्रोन्स का है। ड्रोन्स रिसेंटली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होने लगी है। रिसेंटली लाइक अप्रैल नो इन 2023 नमो दीदी एक प्रोजेक्ट आया था लाइक नमो ड्रोन दीदी स्कीम, जिसके अंदर रिसेंटली 1100 एट जो फर्स्ट फेज है जब उसको स्टार्ट किया गया था तो 1100 महिलाओं को ड्रोन प्रोवाइड किया गया था। एंड गवर्नमेंट सेटअप ए टारगेट कि जब 1 ईयर के अंदर हम 15,000 जो महिलाएं हैं उनको ड्रोन प्रोवाइड करवाएंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, तो ड्रोन इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंस इन दिस लाइक कमिंग टाइम्स। तो ये रही बात इस प्रोजेक्ट की। अगला क्वेश्चन है, अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो है रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर हैज नोटिफाइड स्पेसिफिकेशन ऑफ द नैनो यूरिया लिक्विड 16 जो कि नैनो यूरिया प्लस फर्टिलाइजर, इट विल बी मैन्युफैक्चर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हमें बात पता होगी कि नैनो यूरिया जो नैनो यूरिया जो कि जिसका लॉन्च ईयर है, मतलब इसको लॉन्च किया गया था फॉर द लाइक नाइट्रोजन सप्लाई करने के लिए। और अभी जो कि नैनो यूरिया का जो न्यूट्रिएंट है उनकी स्पेसिफिकेशन इम्प्रूव करने के लिए नैनो यूरिया प्लस लाया गया। हमें पता है कि जो नैनो यूरिया 2021 के अंदर आया था उसी के साथ साथ नैनो डीएपी आया जो कि अप्रैल 2023 के अंदर आया। तो हमें चीज़ों को पता होना चाहिए कि नैनो यूरिया कब आया 2021 के अंदर, नैनो डीएपी कब आया 2023 के अंदर, और अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यूट्रिएंट की स्पेसिफिसिटी इंक्रीज करने के लिए उसको एक बेहतरीन फॉर्म देने के लिए नैनो यूरिया प्लस
लॉन्च किया है, ठीक है, जो किसने लॉन्च किया है, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, इफको के द्वारा। तो हमें समझना होगा कि यूरिया इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है क्यों, तो इस चीज़ को हमें थोड़ा समझना होगा। देखिए, जो यूरिया है ये कॉमनली यूज होता है इंडिया के अंदर, मोस्ट कॉमनली यूज होता है यूरिया के अंदर। हम जो कि 46% नाइट्रोजन के लिए इसको जानते हैं, एक प्रकार से अमाइड फर्टिलाइजर है, ठीक है, अमाइड फर्टिलाइजर है ये। दूसरा हम इसकी बात करें, ये एक प्रकार से हाइग्रोस्कोपिक फर्टिलाइजर, इसीलिए ग्रेनुलर और पैलेट फॉर्म के पास पाया जाता है। दूसरी बात हो रही थी यहाँ पर नैनो डीएपी, तो नैनो डीएपी से आपको एक चीज़ याद रखना होगा कि जैसे डाई अमोनियम फॉस्फेट इसका कंप्लीट जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, तो यहाँ पर होता क्या है कि जो डीएपी के अंदर जैसे 18% नाइट्रोजन, एक प्रकार से समझना ये है कि डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट एक वाटर सोल्यूबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर होता है। यहाँ पर 18% नाइट्रोजन पाया जाता है। दूसरा, इट्स कंटेन लाइक 46% P2O5, तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, 18% नाइट्रोजन एंड 46% P2O5 वाटर सोल्यूबल है, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है। और नैनो यूरिया 2021 के अंदर आया था, नैनो डीएपी 2023 के अंदर लॉन्च हुआ था, और अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नैनो यूरिया प्लस टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी और इम्प्रूव द न्यूट्रिएंट स्पेसिफिकेशन, उसके लिए नैनो यूरिया प्लस लॉन्च किया बाय द इफको। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। एज पर द रिसेंट रिपोर्ट फाइंडिंग्स, अरेबिका कॉफी एज डेवलप ओवर द 6 लाख ईयर अगो इन द फॉरेस्ट विच ऑफ द कंट्री, तो इसका सिंपल सा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इथोपिया, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा इथोपिया। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि अभी एज पर रिसेंट इन्फॉर्मेशन, इंडिया विल स्टॉप इंपोर्टिंग यूरिया बाई एंड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। इंडिया के अंदर प्लान किया जा रहा है कि 2025 तक हम जो यूरिया को इंपोर्ट कर रहे हैं उसको कंप्लीटली रोक दिया जाए, ठीक है, हम सेल्फ सफिशियंसी को एक्वायर कर लें। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन के अंदर। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी हैज बीन ऑनर्ड विद बेस्ट हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी अवार्ड, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट विल बी महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि करनाल के अंदर है, ठीक है। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कम अप विद ए न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म टू डिस्पर्स द सब्सिडीज टू द हॉर्टिकल्चर फार्मर्स, उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? सो लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, CDP सुरक्षा, जो कि सिस्टम ऑफ यूनिफाइड रिसोर्स एलोकेशन नॉलेज एंड सिक्योर हॉर्टिकल्चर असिस्टमेंट, ये इसका लाइक फुल फॉर्म है, क्या है? सिस्टम फॉर यूनिफाइड रिसोर्स एलोकेशन नॉलेज एंड सिक्योर हॉर्टिकल्चर असिस्टेंस। हम समझते हैं कि जो हॉर्टिकल्चर है इट्स क्वाइट इम्पोर्टेंट बिकॉज इसका बहुत बड़ा रोल है ग्रोस वैल्यू एडेड, जो एग्रीकल्चर कंप्लीटली एग्रीकल्चर होता है उसकी जो GDP या GV ये होती है ग्रोस वैल्यू एडेड जो होता है उसके अंदर 33% पार्ट दैट विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय द हॉर्टिकल्चर। और दूसरी चीज़ ये समझने की होगी कि जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन हो रहा है इट्स फार फार ग्रेटर देन दैट ऑफ द फील्ड क्रॉप्स। दूसरा, यहाँ पर जैसे कि एक होता है आपके पास वेजिटेबल्स और दूसरा फ्रूट, फ्रूट और वेजिटेबल से ही 90% हॉर्टिकल्चर में प्रोडक्शन देखा गया है। अब मैं बात करूँ जैसे हॉर्टिकल्चर में वेजिटेबल की जो साइंटिफिक जो साइंस होती है उसे ओलेरिकल्चर कहा जाता है, वही फ्रूट्स की पोमोलॉजी कहा जाता है। हॉर्टिकल्चर एक होटस, होटस का मतलब होता है गार्डन और कल्चरा का मतलब होता है कल्टिवेशन। हॉर्टिकल्चर के फादर की बात की जाए वो होता है MH मैरीगोडा, वासे या सबसे क्वेश्चन आता है ना MH मैरीगोडा, ये कुछ क्वेश्चन से जो आपको इसके साथ याद करना होगा। तो रिसेंटली क्या है कि गवर्नमेंट ने फार्मर्स को या उनकी जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाने के लिए या उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को सप्लीमेंट करने के लिए ये एक प्रकार का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है विद क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, वो किसके कोलोबरेशन से, ये है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। वहाँ पर एक ई रुपी वाउचर दिया जाएगा फार्मर्स को,
या पर आप वेंडर हैं या फार्मर्स हैं या आप नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के ऑफिसर्स हैं, वो सब यहाँ पर लाइक रजिस्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक टर्म आ रहा है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, तो ये 1984 के अंदर एस्टेब्लाइज हुआ था। कापर इसका हेडक्वार्टर है या इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम के अंदर। दूसरी बात, ठीक है, ये स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को ये लाइक फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए। तो हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट है कि हमें समझना होगा कि हम स्मॉल फार्मर किसको समझते हैं, हम मार्जिनल फार्मर किसको समझते हैं। वैन द लैंड होल्डिंग इज लेस देन 1 हेक्टेयर वी कॉल इट द मार्जिनल फार्मर, एंड वैन द लैंड होल्डिंग इज 1 to 2 हेक्टेयर वी कॉल इट द स्मॉल फार्मर्स। ओके, तो ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा, इस दिनों को भी इसके साथ रिलेट किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि एक स्कीम आई थी पीएम किसान, पीएम किसान, जहाँ पर फार्मर्स को ईयरली बेसिस के ऊपर दे आर डिस्पर्जिंग लाइक 6,000 रुपीज, जो कि फरवरी 2019 के अंदर, फेब 2019 के अंदर आई थी। वह फार्मर्स को ईयरली बेसिस के ऊपर 10,000 रुपीज डिस्पर्स किया जाता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि इस चीज़ को बोला जाता है, उसी कंसेप्ट के ऊपर ये सेंटर जो सीडीपी सुरक्षा मतलब क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम सिस्टम फॉर यूनिफाइड रिसोर्स एलोकेशन नॉलेज एंड सिक्योर हॉर्टिकल्चर असिस्टेंस, ये फार्मर्स को मेनली हॉर्टिकल्चर सेक्टर के अंदर, ठीक है, तो ये चीज़ रही इस चीज़ से रिलेटेड। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। रिसेंटली फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन वेलकम सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल ईयर ऑफ यूएन वुमन फार्मर्स इन, तो ये क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 2026 के लिए यूएन ने ये लाइक डिक्लेयर किया गया है कि 2026 को ईयर ऑफ द यूएन वुमन फार्मर्स के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। फार्मर्स मेनली ह्यूमन फार्मर्स क्या प्रॉब्लम फेस की जा रही है, उनके लाइक वेलबींग के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। अगली बात करते हैं वेराइटीज से। सबसे पहले कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च, ये कहाँ पर है, ये है करनाल हरियाणा के अंदर। सबसे पहले ये चीज़ करनाल हरियाणा। दूसरा कि करण गोल्ड एंड करण शिवांगी, ये न्यूली डेवलप्ड वेराइटीज़ हैं। ये किसकी वेराइटीज़ हैं, ये है व्हीट की वेराइटी है, जो कि आईसीआर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले के द्वारा, बार्ले रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा रिलीज की गई है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा व्हीट। तो ये कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे, जो कि अप्रैल मंथ के अंदर जो कि न्यूज़पेपर्स या न्यूज़ हेडलाइंस के अंदर या कुछ अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं, जो कि मैंने डिस्कस कर लिया है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।